ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। He searched blank the keys. Okay, हमने दो सेंटेंस लिख लिए। He searched blank the keys। एक हमने लिखा He searched blank my pockets। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं है, तो मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। इतने लोग आप ट्राई करो फटाफट, बी फास्ट। ऐसे ही क्वेश्चन था, सर्च के ऊपर बेसिस था वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अभी देख लेते हैं। कीज वाला ही था। ठीक है, हाँ चलो, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए थे। ए ऑप्शन है कि कुछ नहीं आएगा, बी ऑप्शन है कि ऑफ आएगा, ऑफ, सी ऑप्शन है कि फॉर आएगा। ठीक है, तो आपको फिल करना है किसमें क्या आएगा। बी फास्ट, फॉर, सेकंड में नो, पद्मावत। हाँ पद्मावत मूवी थी, ठीक है, उसमें, हाँ उसमें वो कौन से एग्जांपल ले रहे थे, वो करवाया था, थ्रोन वाली एग्जांपल थी जो। ठीक है, तो बिल्कुल सही, नाम चेंज करना पड़ा था उनको, पहले उन्होंने पद्मावती रखा था, फिर उन्हें पद्मावत कर दिया था, है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, ही सर्च्ड ब्लैंक द कीज, ही सर्च्ड ब्लैंक माई पॉकेट्स। देखो सर्च के दो मतलब होते हैं, ठीक है, मतलब एक तो सर्च का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो एक सर्च का मतलब होता टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है ना। तो जब सर्च का मतलब लुक फॉर होता है, तो सर्च के साथ भी हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक। लेकिन एक सर्च का मतलब और होता है, टू इंस्पेक्ट, क्या करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना। जब सर्च का मतलब इंस्पेक्शन होगा, फिर हम वहां पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो पता चल गया, ठीक है। तभी इसी वजह से मैं कहता हूं कि फेस वैल्यू नहीं होती, फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहां पे मैं समझ आ रहा है कि ये जो कीज है ना, ये मिसिंग है, अभी मिल नहीं रही, तो इसको ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में। तो यहां पे इसका जो मीनिंग है, कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, लुक फॉर, इसी वजह से हम यहां पे किसका यूज कर लेंगे, फॉर का, ठीक है। सेकंड वाले में आप देखोगे ही सर्च्ड ब्लैंक माई पॉकेट्स, अब मेरी पॉकेट्स तो नहीं ढूंढ रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो वो तो पता ही है कि वहां पे नोन है, तो वहां पे उसको, इनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। तो अगर उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इसका अपना ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक सेंटेंस और है, द पुलिस सर्च्ड द मैन। अब यहां पे बताना है कि क्या आएगा, द पुलिस सर्च्ड ब्लैंक द मैन, ठीक है, थीफ लगा लो, कुछ भी लगा लो, आंसर बताओ जल्दी, यहां पे बताओ क्या आएगा। ऑप्शन सेम है, बी फास्ट, फॉर, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट के पे चलती है सारी, ठीक है, यहाँ पे दोनों मीनिंग कन्वे हो सकते हैं। यहाँ पे ये मीनिंग भी हो सकता है कि वो पुलिस जो उस आदमी को ढूंढ रही है, वो फरार हो गया, ठीक है, वो फुगेटिव है, भगोड़ा है, ठीक है, तो अब्सकॉन्डर है। तो इसी वजह से अब हमें यहाँ पे अगर ये लुक फॉर वाला मीनिंग निकालना है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज कर सकते हैं, तो ये मीनिंग सही है। लेकिन सपोज करो कि पुलिस के सामने वो इंसान खड़ा, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी वो तलाशी ले रही है, तो फिर वहां पे हम क्या नहीं कर सकते, फॉर का यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें वहां पे फॉर रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, और ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देंगे, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। तो दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात।